हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रधरपुर डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल काम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे और यह पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ वन अमॉन्गस्ट फ्लोइंग इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द रेलवेज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवेन एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, श्रीमती जरसना विक्रम जरदोस। कहता है कि इनमें से कौन जो है रेल राज्य मंत्री है, तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन सी जो है आपका उत्तर होगा, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस। क्वेश्चन नंबर 52, द मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन द रेलवेज इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवेन एंड अकॉर्डिंग टू योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टेक्सटाइल। कहता है इनमें से जो रेल राज्य मंत्री हैं वह एक और भी मंत्रालय के मंत्री हैं, तो वो कौन सा मंत्रालय है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, टेक्सटाइल। देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज अर्लियर रेलवे मिनिस्टर फॉर मोर देन 4 ईयर्स। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। कहता है इनमें से भारत के प्रधानमंत्री जो पहले 4 साल रेल मंत्री रह चुके हैं, तो वो कौन थे, तो वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी जो होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, रिफंड कैन बी क्लेम्ड बाय ए पैसेंजर इफ ट्रेन इज रनिंग लेट बाय मोर देन हाउ मेनी आवर्स। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 आवर्स। कहता है कोई भी गाड़ी अगर 3 घंटे से अधिक जो है लेट चल रही हो, लेट हो, तो उसके लिए रिफंड जो है यात्री द्वारा क्लेम किया जा सकता है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, फुल फॉर्म ऑफ TDR इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। TDR का जो फुल फॉर्म होता है वो टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। देखिए फुल फॉर्म पे एब्रीविएशन पे जो है बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये CCTC एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी है, और CCTC ही नहीं जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के जो LDC एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 56, इन स्टैंडर्ड गेज दैट इज ब्रॉड गेज ऑफ इंडियन रेलवेज द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1676 mm। कहता है जो भारतीय रेल में जो ब्रॉड गेज होते हैं जिसको स्टैंडर्ड गेज भी कहा जाता है, उस ब्रॉड गेज का जो मतलब ये डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो वो 1676 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 57, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, हुबली। कहता है साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो हुबली में है, ठीक है। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी भारत में जोन हैं, कितने जोन्स हैं, तो 18 जोन्स हैं, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं उसको ध्यान में रखिएगा, चूँकि आए दिन उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द प्लांट ऑफ महावीर फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड इज नियर टू स्टेशन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कलुंगा। कहता है महावीर फेरो एलॉयज जो प्राइवेट लिमिटेड प्लांट है वो किस स्टेशन के नज़दीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कलुंगा। क्वेश्चन 59, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज पैरेलल साइड्स हैव लेंथ इक्वल टू 12 cm एंड 7 cm, आंसर विल बी। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 38 cm। देखिए कहता है एक पैरेललोग्राम एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके जो है इक्वल जो भुजाएं हैं वो दिया गया है, वो है 12 cm है और 7 cm है, तो बताना है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ये मैथ का लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समानांतर चतुर्भुज का ये परिमिति क्या होता है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा भी, ठीक है। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 38। क्वेश्चन नंबर 60, ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल इफ AC इज इक्वल टू 10 cm देन BD इज इक्वल टू व्हाट।
Kata here, four option has been given. According to option, your answer will be option A, 10 cm. Kata ABCD एक rectangle है, एक आयत है, और उसके जो AC और BD है वो diagonals हैं, बीमाएँ हैं. तो बताना है विकर्ण है, AC और BD क्या है, उसके विकर्ण हैं. और इसमें AC जो है 10 cm है, तो BD की लंबाई कितनी होगी. ठीक है, इसका आंसर भी 10 होगा. तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं. डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. जोजो बेरा सीमेंट प्लांट ऑफ जमशेदपुर इज नाउ नोन एज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, निवोको सीमेंट. कहता है जो बेरा सीमेंट प्लांट जो जमशेदपुर में है, अब उसको किस नाम से जाना जाता है. तो उसका आंसर हो जाएगा सी, निवोको सीमेंट के नाम से. क्वेश्चन नंबर 62 है. द कैटेगरी ऑफ चक्रधरपुर स्टेशन इन NSG कैटेगराइजेशन इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, NSG 4. कहता है चक्रधरपुर जो स्टेशन है वो किस कैटेगरी का स्टेशन है. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, NSG 4. इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ऐसे ही आप जिस जोन में, जिस डिवीजन में काम करते हैं, तो उस जोन में, उस डिवीजन में जो स्टेशन जो होते हैं, किस कैटेगरी में कौन सा स्टेशन आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63. हाउ मैनी NSG 2 स्टेशन चक्रधरपुर डिवीजन हैज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन A 1. कहता है कि चक्रधरपुर डिवीजन में NSG 2 कैटेगरी में कितने स्टेशन आते हैं. तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 1 आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64. द इंटरचेंज स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन विथ खुर्दा रोड डिवीजन इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन B, नयागढ़. कहता है चक्रधरपुर डिवीजन जो है खुर्दा रोड डिवीजन से इंटरचेंज होता है, तो किस स्टेशन पे होते हैं, तो वो है नयागढ़ में. ठीक है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप जिस डिवीजन में काम करते हो उसका इंटरचेंज स्टेशन कौन सा है, या इंटरचेंज डिवीजन कौन सा है. ठीक है, तो इसे एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 65. ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन B, राइट एंगल. कहता है स्क्वायर के, वर्ग के जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं. तो वर्ग के प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, जिसको राइट एंगल भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 66. इफ AB एंड CD आर टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. योर आंसर विल बी ऑप्शन C, AB इज इक्वल टू CD. कहता है AB और CD एक पैरेललोग्राम के दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इसमें कौन सा कंडीशन सही है. तो AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये जो होते हैं आमने सामने की जो भुजाएं होती है समानांतर भी होती है और इक्वल भी होती हैं. ठीक है, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स के देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है, ललीपॉप क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67. द स्टेशन कोड ऑफ सोनाखान इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, SXN. कहता है सोनाखान जो स्टेशन, उसका स्टेशन कोड क्या होता है. तो उसका आंसर सी हो जाएगा, SXN. देखिए ये डिविजनल क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीजन में काम करते हैं, जिस जोन में काम करते हैं, तो उसके जो स्टेशन है, स्टेशन कोड्स हैं, वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 68. द सीली साइडिंग इज लोकेटेड इन विच सेक्शन ऑफ द डिवीजन. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, LTK BUF सेक्शन. कहता है सीली साइडिंग जो है वो किस सेक्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जो आंसर होगा वो LTK BUF सेक्शन में है. क्वेश्चन नंबर 69. रिसेंटली रीओपेंड साइडिंग ऑफ डिवीजन बिरसा स्टोन LTD इज इन विच सेक्शन ऑफ द डिवीजन. कहता है हाल ही में जो है रीओपन किया गया है बिरसा स्टोन लिमिटेड को, वो डिवीजन के किस सेक्शन में आते हैं. तो यह चार ऑप्शन दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टाटा CNI. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70.
द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अर्लियर गवर्नर ऑफ विच स्टेट. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बिहार. अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो है किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके बारे में, क्योंकि उससे जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय वही जो है भारत के प्रेसिडेंट थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 71. इफ टिकट बुकड थ्रू IRCTC द स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ कन्फर्म्ड थर्ड AC टिकट इफ कैंसल्ड बिफोर 48 आवर्स ऑफ शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹180. देखिए कैंसिल रिफंड ऑफ कैंसिलेशन पर भी जो है ना वीडियोज बना हुए, आप उसको देख सकते. कहता है कि कोई थर्ड AC का टिकट है, वो कन्फर्म्ड टिकट है, IRCTC के द्वारा बुक्ड है, अगर वो ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाएगा तो कितना कैंसिलेशन चार्ज लगता है. तो देखिए 48 आवर से पहले अगर कोई भी कन्फर्म टिकट को कैंसिल किया जाता है तो नॉर्मल जो कैंसिलेशन चार्ज है उस क्लास का वो लिया जाता है. तो थर्ड AC का जो नॉर्मल जो कैंसिलेशन चार्ज है 48 आवर्स के बिफोर वो है ₹180, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट इज द परसेंटेज फेयर विच इज टू बी रिटर्न्ड व्हेन ए कन्फर्म तत्काल टिकट इज कैंसल्ड. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नील. कहता है अगर तत्काल टिकट कन्फर्म सीट दिया जा रहा है, तत्काल टिकट से अगर आप टिकट लेते हैं, अगर वो कन्फर्म्ड टिकट है, कन्फर्म्ड सीट है, और उसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा. तो देखिए आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तत्काल अगर कन्फर्म टिकट है तो उसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो रिफंड कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नील. क्वेश्चन नंबर 73. द फ्यूम और फ्लेम इन व्हील ऑफ कोच और वैगन इज नोन एज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी The fume or flame in which of coach or wagon is known as. Here four options has been given. Friend, give the answer of this question in the comment box. कहता है एक कोच में या एक वैगन में अगर कोई धुआं वगैरह आता हो, फ्यूम या फ्लेम हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, हॉट एक्सल कहेंगे या व्हील बर्न कहेंगे या व्हील स्किडिंग कहेंगे या नन होगा. ठीक है, तो प्लीज़ गिव द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. क्वेश्चन 74. द फर्स्ट सी इन IRCTC इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कैटरिंग. कहता है IRCTC में जो पहला जो सी है, IR के बाद जो पहला सी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैटरिंग होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 75. To repeat the upcoming signal in running direction, the device used is known as. Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, fog safety. कहता है कि आने वाली गाड़ी का आने वाली जो सिग्नल होता है उसको रिपीट करने वाले जो सिग्नल होते हैं रनिंग डायरेक्शन में, तो उस डिवाइस को क्या कहेंगे, तो फॉग सेफ्टी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 76. द स्टील प्लेट्स एंड बार्स आर बीइंग लोडेड इन ए वैगन. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी BRN. कहता है स्टील प्लेट्स और बार्स जो जिस वैगन में लोड किए जाते हैं उस वैगन का क्या नाम है, तो उस वैगन का नाम BRN है, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 77. रिसेंटली द इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कंता बंजी. कहता है हाल ही में जो है इस्पात एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको आगे तक एक्सटेंड किया गया है, तो कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, तो कंता बंजी तक जो है. देखिए ये सब तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंटल पूछे जाते हैं, तो आप जिस डिवीजन में काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आए दिन आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 78. द राजधानी विच पासेस थ्रू चक्रधरपुरी इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन ए
भुवनेश्वर। कहता है कि राजधानी जो एक्सप्रेस है वो चक्रधरपुर डिवीजन में, वो कहाँ से क्रॉस करती है, तो भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ नंबर 7000। कहता है कि योर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 6। कहता है अगर 7000 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितने जीरो जाएंगे, ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर विल बी ऑलवेज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी इवन नंबर्स। कहता है कि अगर एक इवेन नंबर का, एक सम संख्या का अगर क्यूब किया जाए तो वो संख्या जो आएगा वो कैसा संख्या आएगा, तो वो भी क्या होगा, इवेन नंबर ही होगा, सम संख्या ही होगा। जैसे 2 एक इवेन नंबर है, सम संख्या है, उसका क्यूब कीजिए, 2 का घनमूल घन क्या होता है, 8 होगा, तो 8 भी सम संख्या है, ठीक है। 4 का कीजिएगा तो 64 होगा, वो भी सम संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैथ का, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इन द गिवेन नंबर्स 36, 48, 64, 100 एंड 125, द परफेक्ट क्यूब आर, हियर 4 ऑप्शन, हियर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 64, 125। कहता है कि जो दिए गए जो संख्या है 36 है, 48 है, 64 है, 100 है और 125 है, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि अगर आप इसका क्यूब रूट निकालें तो वो संख्या पूरा का पूरा जो है नंबर आएगा। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिस तरह के ऑप्शन अरेंजमेंट्स हैं, उसके अनुसार इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 64 एंड 125 हो जाएगा, क्योंकि 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 125 का क्यूब रूट 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 82, द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, श्रीमती निर्मला सीतारमन। कहता है वर्तमान में वित्त मंत्रालय को वित्त मंत्री कौन है, तो आंसर होगा श्रीमती निर्मला सीतारमन है। क्वेश्चन नंबर 83, द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड इज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, रमेश बैस। कहता है वर्तमान में झारखंड के गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस है, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय है, ठीक है। क्वेश्चन 84, रिसेंटली वन पॉक्स वायरस स्टार्टेड इन्फेक्टिंग ह्यूमन मेजोरली इज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, मंकी पॉक्स। अभी हाल ही में जो है एक पॉक्स वायरस जो है आदमी सबको प्रभावित कर रहा है, बीमार कर रहा है, वो कौन है, तो मंकी पॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, रिसेंटली द एयर इंडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। हाल ही में एयर इंडिया जो है उसको टाटा ग्रुप को जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, द धर्मा पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज्ड बाय, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। कहता है धर्मा पोर्ट जो है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट और मैनेज किया गया है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द कमोडिटी इज नॉट लोडेड बाय चक्रधरपुर डिवीजन, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेड मड। कहता है इसमें से कौन सा कमोडिटी, कौन सा सामान जो है चक्रधरपुर डिवीजन द्वारा लोड नहीं किया जाता है, तो वो ऑप्शन सी होगा, रेड मड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप जिस डिवीजन में हैं वहाँ क्या क्या चीज़ का लोडिंग होता, नहीं अनलोडिंग होता, इस सबको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, गुरु महर्षिनी माइंस इज ए माइंस ऑफ, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, आयरन ओर। कहता है गुरु महासिनी जो माइंस है वो क्या चीज़ का माइंस है, तो आयरन ओर का माइंस है। क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन द सिटी, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टोक्यो। लास्ट जो ओलंपिक खेला गया किस शहर में, तो टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 90, इंडिया ओन द गोल्ड मेडल इन लास्ट ओलंपिक इन द इवेंट,
Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, javelin. कहता है भारत जो लास्ट जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है वो किस में जीता है? जेवलिन में जीता है, ठीक है, जेवलिन थ्रो जो गेम हुआ है उसमें जीता है। और यह कौन जीते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द ट्रेन विच कनेक्ट्स द ऑल बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक वाराणसी, बोध गया, लुम्बिनी, इट इज नोन एज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। कहता है ट्रेन जो जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो सब नॉर्दर्न इंडिया में जैसे वाराणसी, बोध गया, लुम्बिनी है, वो सब को कनेक्ट करता है। तो उस ट्रेन का क्या नाम है? तो उस ट्रेन का जो नाम है वो है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 92, द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्टेड जर्नी ऑन दिल्ली कानपुर वाराणसी रूट ऑन ए डेट। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 फरवरी 2019। कहता है पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था वो किस तारीख को चलाया गया? तो वो था 15 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल रेल म्यूजियम इज सिचुएटेड एट। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। कहता है नेशनल रेल जो म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 94, GFCJ कंटेनर साइडिंग इज सिचुएटेड एट। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, झारसुगुड़ा। कहता है GFCJ कंटेनर साइडिंग जो है वो कहाँ पर? झारसुगुड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 95, द मेन लाइन ऑफ CKP डिवीजन फ्रॉम असनबोनी टू झारसुगुड़ा इज फिट फॉर रनिंग ऑफ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 130 km/h। कहता है चक्रधरपुर डिवीजन में जो मेन लाइन है कहाँ से? तो आसन बोनी टू झारसुगुड़ा तक वो फिट है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार के लिए? तो वह 130 km/h के रफ्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, द सिटी ऑफ जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द जंक्शन ऑफ रिवर्स। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, खारकई एंड सवर्णरेखा रिवर। कहता है जमशेदपुर जो शहर है वो किस नदियों के संगम पे है, जंक्शन पे है? तो खारकई और सवर्णरेखा नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 97, टाटा नगर स्टेशन वाज अर्स्टवाइल नोन एज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कालीमती। कहता है टाटा नगर जो स्टेशन है उसको कालीमती के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, द वंदे भारत कोचेज आर डिजाइंड इन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ICF पेरामबूर। कहता है वंदे भारत जो कोचेज है उसको कहाँ डिजाइन किया गया था? तो ICF पेरामबूर में। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ICF? प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 99, द प्रेजेंट जस्टिस ऑफ इंडिया इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, NV रमना। कहते हैं कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो NV रमना है। देखिए, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ये आंसर होगा। अभी चीफ जस्टिस जो है भारत के चेंज हो चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द सप्लीमेंट्री चार्ज फॉर सुपर फास्ट ट्रेन एंड सेकेंड AC इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ₹45। कहता है सेकेंड क्लास का जो सप्लीमेंट्री चार्ज होता है वो कितने हैं? तो ₹45 हैं। देखिए, इसमें भी वीडियोज बना हुआ है और आपको बार बार बोलते हैं कि आप जब डिपार्टमेंटल रेलवे LDC एग्जाम दे रहे हैं तो नोट्स को जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्क एंड रोन LDC क्लासेस।